इब्तिदा है उस रब जलील के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है। मजलिस खवातीन और हज़रात, मेरे बुजुर्गों भाइयों, इस नसीहत का आपको सलाम पहुंचे। बहुत वक्त हो चुका है, मुझे इस चीज का एहसास है कि आप काफी देर से खड़े हैं, तो मैं ज्यादा देर आपको और जो आखिरी कर रहे हैं क्लास बीच साहब उसके दरमियान ज्यादा देर नहीं रहना चाहता हूँ, लेकिन एक दो बातें जरूर मैं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत जरूरी है। जैसा कि आप मुझे जानते हैं कि मैंने इस हल्के में 40 बरस आप दोस्तों बुजुर्गों भाइयों की खिदमत की है, और मेरा रिकॉर्ड है कि ये जितने काम हुए हैं आप देख रहे हैं, ये मस्जिद है, ये स्कूल है, ये कराची है, ये यूनिवर्सिटी है, ये जितने स्कूल है, ये जितने पार्क है, ये जितनी मस्जिद और मसाजिद है, ये इसको निकाल के हाथों से बनी है। और ये इसलिए बनी है कि मैं मेहनत करता था, मैं एक पार्टी का था, मैं सियासत को समझता हूँ, मैं सही मायने में जो काउंसलर होता है वो मैं काउंसलर था, मैं कचरा काउंसलर नहीं था, मैं जंग की चोट पे बात करता हूँ। और यही है अल्लाह ताला के फजल से कि जब मैंने आखिरी तकरीर की काउंसिल चैंबर में, तो पूरी जब मैं तकरीर करके बैठा, तो जब मैंने वहां से निकला तो पूरी काउंसलर 90 के 90 काउंसलर खड़े होकर मेरे लिए 5 मिनट तालियां मारते रहे। के काउंसिल के अंदर 90 काउंसिल किसी के लिए खड़े होकर किसी को ये सलामी पेश करे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने हमेशा कहा है कि मेरा जीना आपके साथ, मेरा मरना आपके साथ, लेकर हर इलेक्शन में दो मुख्तलिफ चोले पहनकर नकाब पहनकर आपके वोट लेने के लिए आ जाते हैं। इस हल्के में मेरे साथ 2 टोरी काउंसिल भी रहे हैं, 2 लिबरल काउंसिल भी रहे हैं, रिस्पेक्ट काउंसिल भी रहा। किसी काउंसिल से पूछ लीजिए, किसी काउंसिल ने अगर कोई सल्के में काम किया हो, जो सलाह देंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जो पार्टी का सिस्टम है कि जो आदमी लेबर पार्टी का होकर लेबर पार्टी का मेंबर हो और ऑफिशियली लेबर पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़े, तो उसको पार्टी 5 साल के लिए फौरन कर देती है, उस पार्टी उसको 5 साल के लिए पार्टी से निकाल देती है। और ये रूमर फैलाया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतकर लेबर पार्टी में शामिल हो जाएगा, ये किसी सूरत नहीं हो सकता। लेबर पार्टी का जो रूल है वो ये है कि 5 साल के लिए उसको लेबर पार्टी से निकाल दिया जाता है, और अगर एक आदमी अकेला का इलेक्शन जीत भी जाएगा तो वो सीट आगे किसी कोने में बैठा होगा, ना उसकी कोई आवाज होगी, ना उसको सुनाई होगी। अगर किसी इंडिपेंडेंट के जीतने वाले से पूछ रहा हो तो जाकर हारने के आदमी से पूछ लीजिए, जो तीसरी से खादिम बना है हमारा साथी रहा है उसे पूछ लीजिए इंडिपेंडेंट आदमी की क्या हालत होती है, अकेले की कोई आवाज नहीं होती, आवाज जो होती है वो होती है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ये मत सोचिए किले शिकवे होते हैं, कोई काम सारे काम नहीं हो सकते। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि जो काम मैं नहीं करा सका वो कोई माई का लाल जो है वो नहीं करा सकता, इसलिए एक सिस्टम के अंदर कुछ मजबूरियां होती हैं। क्योंकि आजकल मैं थोड़ी सी पॉलिसी पर बात करता हूँ कि टोरी पार्टी की कट की वजह से 64 मिलियन पाउंड जो है वो काउंसिल का बजट कम हो चुका है। 64 मिलियन पाउंड इस वक्त तक 2020 तक हर साल जो है उसकी कटाई होगी, तो उसके उसके जो जो बजट कम होगा वो 750 पाउंड हर घर जो है उसको कम मिलेगा, जिससे पहले 2010 से पहले मिलता था। तो कहने का मकसद यह है कि दो बातों का याद रखिए, इंडिपेंडेंट को वोट देने की बजाय आप उस वोट को जला दें तो वो बेहतर है, मैं समझता हूँ, क्योंकि उस वोट का कोई फायदा नहीं है। अगर किसी पार्टी को अगर आप वोट देते हैं तो फिर मैं ये समझता हूँ कि जी उस पार्टी का फायदा है। लेकिन एक बात याद रखिए कि मैंने पहले भी कहा, आप भी फिर बात को दोहराता हूँ कि ब्रैडफोर्ड ईस्ट इंडिया कमेटी जो पैसे एलोकेशन करती है उस पर लिबरल का कंट्रोल है। इस वक्त लिबरल के 10 काउंसलर्स हैं। पिछले कई सालों से मैं ये जवाब पेश करने के लिए तैयार हूँ कि पिछले 10 सालों से ये जो है ये लिबरल जो पूरी पार्टी के साथ रही है हुकूमत में, इस वक्त भी
10 पासवर्ड है लिबरल के, कमेटी जो है जिसके पास फंडिंग होती है उस पर लिबरल का कंट्रोल है, ये लिबरल का कंट्रोल है उस पर, लिबरल की जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि पैसे कहां जाने। इसलिए जरूरी है कि हम इस बोर्ड से शफीक को कामयाब करें, एक्टल से ईन को कामयाब करें, बोर्डर इंडिकल से ईन ग्रीन वुड खड़ा है उसको कामयाब करें, तब जाकर लिबरल से आपकी जान छूटेगी, क्योंकि लिबरल इस वक्त भी कंट्रोल में है, लिबरल जो है उसको हमें निकालना होगा, तब जाकर आपका कंट्रोल होगा। आखिर में एक बात मैं फिर आपसे कहूँगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इलेक्शनों के दौर में लोग झूठे वादे करते हैं, मैं समझता हूँ कि आप जिम्मेदार हैं, आपने हमेशा लेबर पार्टी का साथ दिया है, आप लेबर पार्टी को कामयाब करते हैं रहे हैं, और मैं इस दावे की आखिरी बात करता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई काम है तो मैं आपके साथ भी मौजूद हूँ, और अल्लाह के फजल से अब भी मैं कॉन्फ्रेंस से ज्यादा काम करा सकता हूँ, अब भी कॉन्फ्रेंस और कई लोगों को इस चीज के गवाह है, किसी की प्लानिंग को जब कौंसल नहीं जाते वहां नजर पर खालत जाता है, अभी जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपका कोई काम हो मेरे दरवाजे पहले की तरह आपके लिए खुले हैं, मेरा दरवाजे कभी बंद नहीं हुएगा, पहले हुआ है ना आज बंद हुआ है, मैं आज भी उसी तरह आपकी खिदमत करता हूँ, ये लग बात है मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ये लग बात है, लेकिन ये एक बात मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ कि जो काम रिजल्ट खालक नहीं करा सकता वो माइक आजाद कर रहे थे।